माय डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम सीखते हैं हाउ टू यूज शुड। बहुत सारे स्पीकर्स, राइटर्स एंड गाइड शुड को लेकर काफी कंफ्यूज होते हैं, तो आज की क्लास में हम शुड से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स क्वेश्चंस हैं इन सभी को क्लियर करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, शुड के कई यूजेस होते हैं, कई जगहों पर शुड का यूज किया जाता है, जैसे ड्यूटी, एडवाइस एंड डाउट। आज के सेशन में शुड का यूज ड्यूटी के लिए कैसे करेंगे, चलिए सीखते हैं। दो दिन पहले हमारे यहाँ बहुत तेज बारिश हुई, एक डॉग का बच्चा गड्ढे में चला गया। एक बच्चे ने देखा उसको और वो दौड़ता हुआ आया और उसने उस पपी को गड्ढे से निकाला और उसको साफ किया और उसको मिल्क फीड किया। जब उसके पापा बच्चे के आते और आते ही साथ उन्होंने देखा कि बच्चे इतना अच्छा काम कर रहा, तो उन्होंने तुरंत बच्चे के काम की सराहना की। उन्होंने बच्चे को बोला, ये जो आपने काम किया है, जान बचाने वाला, ये काम आपको शोभा देता है। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति काम अच्छा कर रहा हो या वो काम उस व्यक्ति के लिए शोभा देता है, तो हमें जरूर उसके काम की प्रशंसा करनी चाहिए। और अगर आपको बोलना है कि ये काम आपको शोभा देता है, तो कैसे बोलेंगे? इट्स गुड ऑफ यू। एंड यही सेंटेंस उस बच्चे के पापा ने उस बच्चे के लिए बोला, इट्स गुड ऑफ यू। दोस्तों, अगर कोई सड़क पर कचरा फेंक रहा या आपको कचरा फेंकते हुए दिखाई दे जाए, तो याद रखिएगा, आपको खुद मालूम है कि सड़क पर कचरा नहीं फेंकना चाहिए, ये काम अच्छा नहीं है, ये काम शोभा नहीं देता। अगर कोई व्यक्ति कचरा सड़क पर फेंकता है और आप देखते हैं, तो आप उसको बोलिएगा, ये काम आपको शोभा नहीं देता। इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? इट्स नॉट गुड ऑफ यू। क्या बोलेंगे? इट्स नॉट गुड ऑफ यू। दोस्तों, अगर कोई घर पर लेट उठता हो, 8 बजे 9 बजे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो व्यक्ति रेगुलर नहीं है, सिंसियर नहीं है, ये लेट उठने वाला काम उसको शोभा नहीं देता है। तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे, इट्स नॉट गुड ऑफ यू। जो दो पहिया वाहन चलाता है उसको राइडर बोलते हैं, लेकिन जो दो पहिया वाहन चलाने वाले के पीछे बैठा रहता है, मतलब गाड़ी के पीछे बैठा रहता है, उसको बोलते हैं प्लेयर राइडर। सड़क पर जो पैदल यात्री घूमता है, चलता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं पेडेस्ट्रियन। क्या बोलते हैं? पेडेस्ट्रियन। सड़क पर जब वाहन चलाते हैं, हमें ट्रैफिक मिलता है, ट्रैफिक के जो रूल्स होते हैं उनको बोलते हैं ट्रैफिक रूल्स, और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना, उनका पालन करना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। क्या बोलते हैं? फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। कई लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं और पकड़े जाने पर ट्रैफिक पुलिस से लड़ने झगड़ने लगते हैं, और कभी कभी तो दोस्तों वो ट्रैफिक पुलिस को धमकी भी देते हैं, जबकि ट्रैफिक पुलिस हमारी ही भलाई के लिए वहां पर है, धूप में खड़े रहते हैं कि हमारी जान बचे तो हमारा भला हो। लेकिन ये जो हम लड़ने झगड़ने वाला काम करते हैं, ये हमें शोभा नहीं देता। दोस्तों, अगर आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, तो मैं यही कहूंगा आपसे, ये काम आपको शोभा नहीं देता है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट्स नॉट गुड ऑफ यू। कैसे बोलेंगे? इट्स नॉट गुड ऑफ यू। यातायात के नियमों का पालन करना हमारी ड्यूटी है, और किसी इंसान की ड्यूटी याद दिलाने के लिए शुड का यूज किया जाता है। मुझे आपसे कहना हो कि आपको यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, मतलब मैं यहाँ पर आपको आपकी ड्यूटी याद दिला रहा हूँ, और मुझे अगर आपको आपकी ड्यूटी याद दिलाना है, तो मैं कैसे बोलूंगा? यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। यहाँ पर दोस्तों एक बार फिर से याद दिला रहा हूँ मैं आपको, मैंने शुड का यूज चाहिए के लिए नहीं किया, यहाँ पर मैंने शुड का यूज आपको आपकी ड्यूटी याद दिलाने के लिए किया है। दोस्तों, अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता, उसकी स्कूल से रेगुलर कंप्लेंट्स आती है कि आपका बच्चा होमवर्क नहीं करता, क्लास में कुछ लिखता नहीं है, अटेंशन नहीं देता है, टीचर्स की बात को फॉलो नहीं करता है, क्लास में लेट आता है, तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? उस बच्चे को मारना चाहिए, घर से भगा देना चाहिए? नहीं, इन सब की जगह पेरेंट्स को उस बच्चे की ड्यूटी याद दिलाना चाहिए। और अगर डियर वो बच्चा आप और मुझे, अगर आपकी ड्यूटी याद दिलाना है, तो मैं आपकी ड्यूटी याद दिलाने के लिए किसका यूज करूंगा? शुड। और मुझे बोलना है कि आपको पढ़ाई करना चाहिए, तो मैं किस तरीके से बोलूंगा? यू शुड स्टडी। कैसे बोलेंगे? यू शुड स्टडी। और शुड के साथ एक्शन की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ये काम करने के 3 तरीके हैं, 3 कंडीशंस हैं। कैसे? कई काम समय से पहले किए जाते हैं, जो काम समय से पहले किए जाते हैं उनको बोलते हैं अर्ली, और जो काम समय पर किए जाते हैं उनको बोलते हैं ऑन टाइम,
और जो काम लेट किए जाते हैं उसको बोलते हैं लेट। मेरा भाई, बड़ा भाई रात को 12, 1, 2, 2 बजे तक घर नहीं आता। समय पर घर आना या समय पर आना उसको इंग्लिश में बोलते हैं कम ऑन टाइम। डियर, इस संडे को पापा ने उसको बुलाया और उसको उसकी ड्यूटी याद दिलाई कि तुम्हें समय पर आना चाहिए, समय पर आने वाला काम करना चाहिए। तो पापा ने उसको उसकी ड्यूटी याद दिलाते वक्त शुड का यूज किया और पापा ने बोला यू शुड कम ऑन टाइम। दोस्तों, अगर आप एक किसी कंपनी के मालिक हैं, बॉस हैं, और आपके केबिन में अगर कोई एम्प्लॉय या कोई वर्कर या कोई मैनेजर या कोई कंप्यूटर ऑपरेटर या कोई भी कैंडिडेट जो आपकी कंपनी में आपके साथ वर्क करता हो, अगर वो लेट आता है तो आप उसको उसकी ड्यूटी याद दिला सकते हैं। कैसे याद दिलाएंगे? यू शुड कम ऑन टाइम। कैसे बोलेंगे किसी की ड्यूटी याद दिलाने के लिए? यू शुड कम ऑन टाइम। दोस्तों, कार में जब हम कार चलाते हैं, बैठते हैं, पास में सीट बेल्ट लगा रहता है, सीट बेल्ट बांधने को इंग्लिश में बोलते हैं फैसन द सीट बेल्ट। अगर मुझे आपकी ड्यूटी याद दिलाना है कि आपको सीट बेल्ट बांधना चाहिए कार चलाते वक्त, तो मैं आपको सिंपल तरीके से याद दिलाऊंगा आपकी ड्यूटी, यू शुड फैसन द सीट बेल्ट। दोस्तों, पैसे खर्च करने को इंग्लिश में बोलते हैं स्पेंड मनी, लेकिन पैसे को उड़ाना, पानी की तरह बहाना, बर्बाद करना उसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लो अप मनी। और पैसे को बचाना, जैसे लॉकडाउन में कई लोगों ने पैसे को बचाना शुरू कर दिया है, पैसे को बचाने को इंग्लिश में बोलते हैं सेव मनी। अगर पैसे को समझदारी से खर्च करना हो कि किस जगह पर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, किस जगह पैसा बचाना चाहिए, कितनी चीज खरीदनी चाहिए, समझदारी से पैसा खर्च करने को बोलते हैं स्पेंड मनी वाइजली। क्या बोलते हैं? स्पेंड मनी वाइजली। अगर दोस्तों मुझे आपसे पूछना हो, क्वेश्चन करना हो कि आप पैसे समझदारी से खर्च करते हैं, तो मैं आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछूंगा, मैं कैसे क्वेश्चन करूंगा? चलिएगा आपको एक चीज याद दिलाता हूँ, जब हम कभी किसी व्यक्ति से पर्सनल क्वेश्चन करते हैं तो आपको मालूम है कि किसका यूज करते हैं? डू। तो अगर मुझे आपसे पूछना है कि आप समझदारी से पैसे खर्च करते हैं, तो मैं कैसे पूछूंगा? डू यू स्पेंड मनी वाइजली। कैसे पूछूंगा? डू यू स्पेंड मनी वाइजली। अगर दोस्तों आप पैसा बिल्कुल समझदारी से खर्च नहीं करते हैं तो आंसर कैसे देंगे? नो आई डोंट स्पेंड मनी वाइजली। ये आंसर सुनकर मुझे बुरा लगा कि आप समझदारी से पैसा खर्च नहीं करते और ये काम आपको शोभा नहीं देता। जो काम आपको शोभा नहीं देता है तो मैं उसको बोल दूंगा इट्स नॉट गुड ऑफ यू। और फिर मैं यहीं पर आपको आपकी ड्यूटी याद दिलाता हूँ कि आपको समझदारी से पैसा खर्च करना चाहिए, यू शुड स्पेंड मनी वाइजली। दोस्तों, अगर आप आज्ञाकारी हैं, आप डिसिप्लिन में रहने वाले हैं, आप मेरा रिस्पेक्ट करते हैं, तो आप बिल्कुल बोलिएगा सर आने वाले समय से मैं समझदारी से पैसे खर्च करूंगा, मैं आपको फॉलो करूंगा। तो आप आंसर में बोल सकते हैं ओके सर आई विल स्पेंड मनी वाइजली। अब यहाँ पर मैं बोलूंगा, आपकी तारीफ करूंगा कि जो समझदारी से पैसे खर्च करने वाला काम आप फ्यूचर में करेंगे वो आपको शोभा देता है, इट्स गुड ऑफ यू। आप मुझे धन्यवाद दे सकते हैं और धन्यवाद कैसे देंगे ये भी आप सीख लीजिए, थैंक यू सो मच। क्या बोलेंगे धन्यवाद देने के लिए? थैंक यू सो मच। दोस्तों, न्यूज सुनने को इंग्लिश में लिसन टू न्यूज। याद रखिएगा, जब भी आप कभी लिसन वर्ड को यूज करें तो लिसन के साथ हमेशा 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 टू का यूज करते हैं। तो न्यूज सुनने को इंग्लिश में बोलते हैं लिसन टू न्यूज। मुझे अगर आपसे पूछ आप न्यूज सुनते हैं या नहीं, तो मैं पूछ लूंगा सिंपल तरीके से डू यू लिसन टू न्यूज। और अगर दोस्तों आपको आंसर देना है कि मैं न्यूज नहीं सुनता हूँ, तो आप मना कर दीजिए नो आई डोंट लिसन टू न्यूज। अगर आप मना करते हैं कि मैं न्यूज नहीं सुनता हूँ, तो मैं यही कहूंगा इट्स नॉट गुड ऑफ यू, न्यूज नहीं सुनने वाला काम आपको शोभा नहीं देता है। फिर मैं आपकी ड्यूटी याद दिलाऊंगा आपको कि न्यूज आपको जरूर सुननी चाहिए, न्यूज सुनने वाला आपको काम करना चाहिए, यू शुड लिसन टू न्यूज। यहाँ पर आप आंसर दे सकते हैं ओके सर आई विल लिसन टू न्यूज। फिर मैं आपको कहूंगा जब आप न्यूज सुनेंगे ये काम आपको शोभा देता है, इट्स गुड ऑफ यू। आप जब मैं तारीफ करूंगा तो आप मुझे धन्यवाद दे सकते हैं, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को देखने के लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।